बुजुर्गों भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी टीटी का प्रकोप जो हुआ है वो आपके सामने है। किसी खेत को बर्बाद कर दिया और इस बात की फाका जो आया है लंबा चला है। पहले आता था, कई बार पहले भी आए, 20-25 साल पहले आया था, 1995 में 1996 में, तब थोड़ा नुकसान किया था, पर इस बार रबी की फसल में भी नुकसान किया था। ये पहली बार हो गया और जैसलमेर में भी, जालौर में भी आज नुकसान हो रहा है। बाड़मेर के अंदर भी हमने मीटिंग करी, खेतों में जाके देखा, किसानों के जब बातचीत करी किसानों से तो कई अनुभव हुए किस प्रकार से उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। चाहे जीरा हो, इसबगुल हो, रंडे हो, फतेह बहुत चौपे। हमने तय किया कि जो गिरदावरी फरवरी मार्च अप्रैल में होती है, अभी अजीत जी आपको बता रहे थे, हम लोग आज से गिरदावरी शुरू करवा लेंगे, स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, स्पेशल करवाएंगे। नुकसान का आकलन हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार को कहने में आसानी रहती है इमदाद के लिए। जो सर्वे करवा के गिरदावरी करा के जल्दी कोशिश करेंगे आपको इमदाद मिले, आप वापिस दोबारा फसल को खो सकें। और बीमा जो करवाया हुआ है उनको भी प्रोसेस जल्दी करवा करके वो प्रक्रिया जल्दी शुरू करेगी। कलेक्टर साहब को हमने कह दिया कि जल्दी आप प्रक्रिया शुरू करो, वो भी जिससे कि बीमे की रकम भी टाइम पर मिल सके किसानों को, ये हमारा प्रयास रहेगा। कुछ गाँव अकाल में आए हुए हैं आपके वहाँ, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, 4 जिले अकाल के अंदर केंद्र सरकार ने माने हैं। अभी केंद्र की टीमें भी आई थी, नागौर, बीकानेर और चूरू को मान नहीं रहे क्योंकि नौ बदल दिए हैं। पहले पटवारी गिरदावरी करता था, उसके आधार पर अकाल के गांव घोषित होते थे। केंद्र ने कुछ नॉर्म्स बदल दिए हैं, उस कारण से 3 जिले अकाल ग्रस्त घोषित नहीं हो रहे हैं। हमने मांग की केंद्र सरकार से कि आप ये गिरदावरी का जो पहले सिस्टम था वो एक परफेक्ट सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, कि पटवारी खुद जाते हैं गांव गांव में, बातचीत करते हैं और फिर गांव घोषित होते हैं, इमदाद मिलती है टाइम पे। तो राष्ट्रीय आपदा फंड से इमदाद देने की बात हो तब भी हम चाहेंगे कि जल्दी इमदाद मिले और नौ बदले बात, ये हमारा प्रयास। इस रूप में हम लोग लगे हैं कि किस प्रकार से पहले की तरह, पहले भी आपको याद होगा कि परिस्थिति कह रहे थे, हम लोगों ने कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया तो गायों को ढांडों को बचाने में कमी नहीं रखी थी। अभी पिछली बार भी जब चारे की कमी पड़ गई थी, अभी 6 महीने पहले ही, तभी मेवाराम जी बैठे हुए हैं, हरी जी ने मेवाराम जी ने कहा हमने आपके लिए स्पेशल स्वीकृति जारी करी है, स्पेशल स्वीकृति जारी करी, कितने करोड़ की थी, 30 करोड़ की स्वीकृति जारी करी हम लोगों ने कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अकाल में, सूखे में, चाहे गायों को कैंप लगाने की बात हो, गौशालों को अनुदान देने की बात हो, चारा बाहर से लाना पड़े, पंजाब से भी तो लाया था कुछ जमाने के अंदर, काम के बदले अनाज योजना लागू की थी कुछ जमाने के अंदर, जब भी अकाल पड़ा है तब तब सरकार ने चाहे काम के बदले अनाज हो, नाडी हो, कुआ हो, निजी काम भी क्यों नहीं हो वो भी एक बार शुरू करवाया था हम लोगों ने। तो कहने का मतलब कि बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो,
जोधपुर हो या कोई जिले में अकाल पड़ गए हो, सरकार ने हमेशा आपके साथ खड़ी मिली। आपको पीने के पानी के प्रबंध मानव के लिए, मनुष्यों के लिए भी और डांडों के लिए भी करना पड़ा, चारे का प्रबंध करना, रोजगार के काम खोला, अकाल के काम खोलते थे पहले। अब तो भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह का और सोनिया गांधी का, इस कानून बना दिया पार्लियामेंट के अंदर, चाहे अकाल पड़ो कि नहीं पड़ो, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी, कानून बना के दे दिया आपने। बहुत बड़ा फैसला है ये। आजादी के बाद में अधिकार आदर युग, जिसमें सोचने के अधिकार के साथ में रोजगार का अधिकार मां नरेगा के माध्यम से, शिक्षा का अधिकार, बच्चों को जो प्रतिभान बच्चे हैं कहीं पढ़ सकते थे स्कूल के अंदर, फिर सरकार भरेगी उनकी, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, वो भी कानून बन गया पार्लियामेंट के अंदर। यूपीए गवर्नमेंट जब थी आपकी तब तो कोई कमी नहीं रही कानून बनाने के अंदर, शानदार कानून बनाया। और राजस्थान में हमने 2 रुपये के बजाय अभी 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूं मैंने कर रखा, सरकार बनते ही हमने फैसला किया और वो आपको मिल भी रहा है। कहने का मतलब यही है, स्वास्थ्य सेवाएं हो, हम लोगों ने तय किया कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले राजस्थान के अंदर, बीमा जो है आयुष्मान भारत का वो हमने स्वीकार कर लिया, 40% सरकार देगी पैसा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, बीमा कंपनियों को 5 लाख तक का बीमा लागू किया है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, 1 महीने बाद वो शुरू हो जाएगा, अभी 3 लाख तक का बीमा चल रहा है। और पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जो ऊपर दवाइयाँ फ्री मिल रही है आउटडोर पेशेंट को भी। बीमा वाला काम तो है भर्ती होने पर काम आता है, हमारा वाला काम है बीमा के अलावा भी दवाइयाँ फ्री, चाहे वो पेशेंट भर्ती नहीं हो तब भी खून की जांचें फ्री, डायलिसिस फ्री, सोनोग्राफी फ्री। बूढ़े आदमी हैं जब सुविधा मेडिकल कॉलेज में है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, वहाँ सब जगह सीटी स्कैन, MRI भी, और इस काम को बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है निरोगी राजस्थान। बीमार पड़े क्यों आदमी, बीमार नहीं पड़े ये हम एजुकेट करेंगे सबको, पूरी जनता को, टाइम पे टीकाकरण हो बच्चों का, महिलाओं के लिए अलग आप जहाँ बीमारी होती है उनके कई तरह की, वो अभियान अलग चलेगा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग। बूढ़े लोगों की बीमारी अलग तरह की होती है और बड़े अस्पताल में अलग विभाग होता है, उसका कुछ ध्यान दिया नहीं आज तक, हमने उसको मजबूत किया। तो कहने का मतलब ये कि बड़े रूप में राजस्थान का हर नागरिक, ये तो भगवान के हाथ में है, बीमारी तो अलग बात है, पर हमारी तरफ से जो कहिए उनको जागरूक करना है, साफ सफाई रखे, टीकाकरण करवाए टाइम पे, दवाई टाइम पे ले, जांचें हम करेंगे छात्रों की, हर स्कूल के अंदर कंपलसरी छात्रों की जांच होगी बच्चों की, जिससे कि टाइम पे बीमारी मालूम पड़ता है। अगर टाइम पे बीमारी मालूम पड़ जाती है बच्चों की, महिलाओं की, चाहे कैंसर हो चाहे कोई बीमारी हो, तो आज के जमाने में इलाज संभव है। इसलिए हमने तय किया है कि हम लोग जो है जो अपने कहावत है मारवाड़ी में भी है सब जगह है, पहला सुख निरोगी का है, देखनी है मालूम आपको, अगर बाकी सुख तो कई 5-6 तरह के सुख है उसके अंदर, बेटे का सुख भी है, पत्नी का सुख भी है, धन का सुख भी सब है, तो कुछ बीमार है तो उसके लिए कुछ ना धन है ना और सुख काम आता है, पहला सुख निरोगी का है। मैं बोलूंगा पहला सुख, आप बोलोगे निरोगी का है, जोर पहला सुख जोर से बोलो, पहला सुख पहला सुख। तो निरोगी रहने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, अब धीरे धीरे प्रशासन की तरफ से आपके पास प्रोग्राम आएगा, काम तक जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा सहयोगी हो, कोई भी हो, इस काम को हमें बड़े रूप में आपसे लेना है। पूरे मुल्क में पूरे देश के अंदर नंबर 1 सिरमौर है राजस्थान, जहाँ बीमारी कम से कम हो, ये हमारी सोच है। धन्यवाद।
जय हिंद, धन्यवाद। टिड्डी आज से 10-12 दिन पहले आई थी, पूरे फसलों का सपोर्ट कर दिया है। ज्यादातर जहाँ जीरा था तो वो जीरा ही खाया है, जीरा नहीं था तो ईसब खाया है, ईसब नहीं था तो फिर अंडी खाई है, इस प्रकार अंडी नहीं थी तो पेड़ पौधे पे वो खाए, मतलब वनस्पति कोई छोड़ी नहीं। पूरा एरिया का सफाया हो गया, मेरे से पीछे पूरे किलोमीटरों में फसल पूरी सपोर्ट हो गई, जहाँ जीरा वगैरह ज्यादा था। अंडी थोड़ी बची है, अंडी से पीछे जीरा था तो भी जीरा पूरा जीरा ईसब गोल ये तो पूरा नष्ट हो गया। अब तत्काल इनके खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है और बाजार में इनको उधार नहीं मिल रहा है वो मिले, और बिजली का बिल माफ हो, और तत्काल जो केसीसी वगैरह है वो भी माफ की जाए तो ये हमारे तत्काल किसानों को राहत पहुंच सकती है। पहले नहीं आई थी, इससे पहले 3-1 महीने पहले सोमा से आई थी, लेकिन वो कम था दल, ये बहुत बड़ा दल था। इससे पहले 70 साल पहले आई थी, जब वो तो हमारे सुनी हुई बातें हैं। होटल नोलगढ़ प्लाजा, लग्जरी रूम, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट, प्ले जोन, स्पा, रूफ रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल सहित स्टार होटल सुविधा, रोडवेज बस डिपो के पास नोलगढ़, 9929411422। शिव ज्वेलर्स, राजपूती गहनों का विश्वसनीय शोरूम, एक से बढ़कर एक गोल्ड सिल्वर के आधुनिक डिजाइन, चोटवाड़ा पुलिया दीप हॉस्पिटल के पास जयपुर, 7073186603। इंदुवस्त्र भंडार कंप्लीट क्लोथ्स वेडिंग कलेक्शन, नोलगढ़, गुड़ा, गोर्जर, खंडेला में 50 साल से बनावा ग्राहकों का विश्वास, 9468212100।